हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टारगेट नीट केमिस्ट्री द फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। आज का डिस्कशन प्रारंभ होने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। मैटर, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन यदि करते हैं तो मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड, तीन मैटर्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड को कैसे डिफाइन करते हैं? No specific shape but has a definite volume. It takes the shape of the container where it is kept. ठीक है, और गैस का no fixed shape and volume. ठीक है, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। यदि हम केमिकली इसको केमिकल क्लासिफिकेशन यदि इसका मैटर का करते हैं तो वो क्या है? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जिसमें वेरिएबल डिफरेंट कंपोजिशन में मिक्स किया हुआ हो, जैसे कि सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। ये अच्छा मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मेंटेन होता है, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सब्सटेंसेस के, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कट रहा है, हाँ तो, और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन होते हैं मिक्सचर में, जैसे वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं सब्सटेंसेस के, और प्योर सब्सटेंस में फिक्स कंपोजिशन होते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर के दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट्स जिसमें जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा तरह का एटम का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। आगे हम करेंगे, चलिए एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के एटम कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन मिल्क और एयर वो डिफरेंट एटम से बने होते हैं। जैसे एयर में क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब। तो ये मिक्सचर है। मिल्क भी डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है, इसलिए मिल्क भी एक मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर और लिक्विड का सेम प्रोपोजिशन में वो मिक्स नहीं हुआ हुआ है सारे इंटायर लिक्विड में। ठीक है, इंटायर सॉल्यूशन में वो सेम कंपोजिशन में उनका मिक्सचर नहीं है गैस और लिक्विड का। लेकिन ब्रास में, ऑन द अदर हैंड, ब्रास में क्या होता है कि सेम कंपोजिशन में, हाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन में कंपोजिशन मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट द ब्रास आर्टिकल, जो भी
ब्रास यूटेंसिल्स और कुछ भी, तो उसमें थ्रू आउट द यूटेंसिल्स और थ्रू आउट द सब्सटेंस कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट, ऐसे तीन हमारे बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स हैं। पहला सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, फिर सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, एफपीएस यूनिट फुट पाउंड सेकंड, और एसआई यूनिट इसको एमकेएस यूनिट भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो एसआई यूनिट में सेवन बेसिक यूनिट्स होते हैं, जैसे कि पहला लेंथ, इसको डिनोट करते हैं एल से, और इसका यूनिट होता है मीटर एम, एम से डिनोट किया जाता है। मास, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसका यूनिट होता है केजी किलोग्राम। टाइम, इसे डिनोट करते हैं टी से, और इसका यूनिट होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट, इसे डिनोट करते हैं आई से, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसे डिनोट करते हैं टी से, और इसका यूनिट होता है केल्विन, के से डिनोट किया जाता है यूनिट को। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई से डिनोट किया जाता है, और कैंडेला इसका यूनिट होता है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट होता है मोल, और मोल को MOL लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स आते हैं वो डिराइव्ड यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का बेसिक यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 लीटर एटमोसफियर इनटू अर्ग। तो यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा, ये रिलेशन जानना पड़ेगा, क्या 1 लीटर एटमोसफियर इज इक्वल टू 101.3 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ये याद रखना पड़ेगा। तो हमें सिंस पता है कि 1 लीटर एटमोसफियर इज इक्वल टू 101.3 जूल, तो 2 लीटर एटमोसफियर इज इक्वल टू 2 × 101.3 जूल, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया 202.6 जूल, ये हो गया आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। अब जूल में जब कन्वर्ट हो गया हम उसे अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, तो 202.6 जूल इज इक्वल टू 202.6 इनटू 10^7 अर्ग, इसे कन्वर्ट कर लिए अर्ग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 एटमॉस्फेयर इनटू सेंटीमीटर ऑफ HE। तो यहाँ पे इसे याद रखना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HE होता है, तो 2 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 इनटू 2 सेंटीमीटर ऑफ HE, दैट मींस 152 सेंटीमीटर ऑफ HE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब इनटू ml। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये रिलेशन, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 20 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 20 लीटर इक्वल टू 20 × 1000, दैट इज 20,000 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 59 फेरनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड और फेरनहाइट का कन्वर्जन, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 फेरनहाइट माइनस 32, ठीक है। अब फेरनहाइट के बदले में 59 बैठा दीजिए, तो 5/9, 59 माइनस 32, दैट इज 5/9 इनटू 27, इसको डिवाइड करके ये कितना हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब है साइंटिफिक नोटेशन। केमिस्ट्री में क्या होता है, नंबर्स काफ़ी छोटे और काफ़ी बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19, यदि इसे नॉर्मली लिखा जाए तो बहुत सारे जीरोस, या तो डेसिमल से डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरोस आएंगे, या नंबर्स के बाद बहुत सारे जीरोस आएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नंबर्स को n इंटू 10^n इंटू 10^
प्लस माइनस एन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि रिपीटेशन ऑफ जीरोस वगैरह नहीं होता है, डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले नहीं होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1.700 ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट है 1.7000 है, ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.75 × 10^5, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ जो, हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 1.75000 है, ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मूव करेंगे इसको, तो कितनी बार मूव किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5 तो 10^5 बैठा दिया और 1.75। तो साइंटिफिक नोटेशन में याद रखिएगा कि आफ्टर वन डिजिट हम डेसिमल बैठाते हैं, ठीक है, उसी तरह 0.17 है तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.7 × 10^-1, क्यों, ये डेसिमल 1 के बाद चला जाएगा तो डेसिमल इधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जीरो होंगे और पार नेगेटिव में होंगे, और ये यदि राइट हैंड साइड इधर मूव करेगा तो पार पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.7 × 10^4 प्लस 0.77 × 10^5। तो यहाँ पे देखिए, तो 7.7 तो साइंटिफिक नोटेशन में है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 0.77 साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो उसमें चेंज हो जाएगा, तो इसका इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 7.7 × 10^4, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन 0.77 को हमें लिखना है 7.7 × 10^4 में, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया तो कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कीजिए, 1.54 × 10^4, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.7 × 10^4 माइनस 0.77 × 10^5, इसको सॉल्व किया तो ये 7.7 हो जाएगा × 10^4, इन दोनों को ऐड किया 8.7 और 7 point, इन दोनों को माइनस किया 8.7 और 7.7 को, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा और इधर 10^4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 × 10^4, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में 7.7 × 10^4 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे से आगे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ठीक है, वो मीनिंगफुल डिजिट्स जिसके सर्टेनिटी नोन होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो 8.00 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। 0.0175 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। 0.0018 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो डेसिमल के बाद यदि जीरोज आए वो उसे सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 में और एग्जांपल 3 में, हाँ तो हमने यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेंबर नंबर्स ऑफ 4
टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे फोर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4। हाँ, इसके बाद फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो देखना पड़ेगा। फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 7 है, जो कि 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो यहाँ इससे पहले वाले फोर्थ में हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 6.609 ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्थ ये वाला है और फिफ्थ ये है, तो फिफ्थ 5 से छोटा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाले में कोई ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम सिर्फ फिफ्थ में फोर्थ में जो लिखा हुआ उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, 42.39, ठीक है, 42.39 ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ यह है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोसियर। लेवोसियर ने ये बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है कि इन ए केमिकल चेंज टोटल मास रिमेंस कंसर्व्ड, ठीक है, किसी भी केमिकल चेंज में टोटल मास कंसर्व्ड होता है। दैट इज मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन लेते हैं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, तो इसका मतलब यह है कि 1 मोल of H2, half mole of oxygen gives 1 mole of H2O. तो mass before the reaction कितना है? 1 into 2, hydrogen का mass 2 है, 1 mole into 2, 1 into 2, plus half into 32, तो molecular mass कितना होता है oxygen का? 16 into 2, that is 32. और इधर product में वाटर का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाटर का 18 होता है, तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम, क्यों, 2 होता हो गया हाइड्रोजन का, 2 H है, 2 into 1, और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। तो मास आफ्टर द रिएक्शन कितना हो गया? 18 ग्राम। तो देखिए, मास बिफोर द रिएक्शन कितना है? 18 ग्राम। मास आफ्टर द रिएक्शन कितना है? 18 ग्राम। तो दोनों ही 18 ग्राम हो गए, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव्ड हो गया इस रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। चलिए एक सम करते हैं तो और थोड़ा डिटेल्स में पता चलेगा। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम ऑफ CaO, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO। तो अब पहले रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड देता है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देता है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 10 ग्राम है। तो और मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? 4.4 ग्राम प्लस x ग्राम, ठीक है। तो हम x ग्राम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 ग्राम माइनस 4.4 ग्राम, दैट इज 5.6 ग्राम ऑफ CaO, ये निकल आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। पोर्शेट द्वारा ये लॉ दिया गया था, इस लॉ के हिसाब से ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इरिस्पेक्टिव टू देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्सेस। तो सारे केमिकल कंपाउंड्स के एक कांस्टेंट कंपोजिशन में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से बनाया गया हो, किसी भी मेथड से उसे बनाया गया हो, या वो किसी भी सोर्स से लिया गया। फॉर एग्जांपल, वाटर का कंपोजिशन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन हमेशा 2:1 हो, चाहे वो टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, कहीं कभी कोई वाटर हो, या एक्सपेरिमेंट से हम लेबोरेटरी में वाटर मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, सभी केस में वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये पहले डाल्टन द्वारा सबसे पहले दिया गया था ये थ्योरी। इस लॉ के हिसाब से व्हेन
One element combines with the other element to form two or more different compounds. The mass of one element, which combines with a constant mass of the other, bear a simple ratio to one another. For example, carbon combines with oxygen to form its first oxide in the percentage where carbon's percentage is 42.9% and oxygen's percentage is 57.1%. And to form the second oxide, carbon with 27.3% combines with 72.7% of oxide. तो ये इसको यदि हम सॉल्व करें तो जैसे 42.9% अपॉन 57.1% तो इसका रेशियो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.751 आएगा. फिर 27.3% अपॉन 72.7% को यदि हम सॉल्व करें तो इसका रेशियो कितना आएगा, 0.376% आएगा. इन दोनों को यदि लें 0.751 और 0.376 को यदि लें तो इनका सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो कितना आएगा, 2:1 पर का रेशियो आएगा. ठीक है, तो इससे ये क्या प्रूफ होता है, इससे ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ होता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उनका जो मास का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो में होता है. ठीक है, तो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशियो बनता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लॉ है गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. व्हेन टू और मोर गैसेस रिएक्ट्स विद वन अनदर, देयर वॉल्यूम्स बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइड or provided all the volumes are measured under identical conditions of temperature and pressure. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है. तो सिंपल रेशियो में वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ट्रीटेड विथ वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो इसका सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:2. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ. तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. ठीक है, तो equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. एक एक्सपेरिमेंट के साथ इसे समझते हैं. जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम क्लोरीन का वन वॉल्यूम और हाइड्रोक्लोरिक का टू वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. ठीक है, ये टू, तो ये कैसे टू वॉल्यूम, तो इसको समझिए, रिएक्शन में इसको डालिए और इसको ये 2HCl, तो यहाँ बना ना वन वॉल्यूम और यहाँ पे टू वॉल्यूम. ठीक है, तो उसी तरह
n molecule of hydrogen, n molecule of chlorine, 2 n molecules of hydrochloric acid banayega. Ya to 1 molecule of hydrogen, 1 molecule of chlorine, 2 molecule of hydrochloric acid banayega. Ya usi tarah half molecule of hydrogen, half molecule of chlorine, 1 molecule of hydrochloric acid banayega. ठीक है, तो इसे किसी भी तरह से लिखिए, हाफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल हाफ, ये वन मॉलिक्यूल बनाएगा. ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल और ये टू मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. ठीक है, इस तरह से. और अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी और जिनके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, एटम्स से बने होते हैं मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, एटम of a given element are identical in all respect. ठीक है, all respect यदि हम बोलें तो इसका मतलब यह है कि same size, same shape, same mass, same chemical properties, etc. ठीक है, they are identical. Atoms of different elements are different in all respects. तो different elements के atoms different हो गए. ठीक है, third हो गया different element. same element के atoms same होंगे, different element के atom different होंगे. fourth है, atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compounds. ठीक है, तो atoms of different elements may combine with each other to in a fixed simple whole number ratio to form compounds. Fifth one, atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, सारे points को मैं लिख देता हूँ. Clear है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? चलिए आपके लिए ये लिख दिए हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सेकंड, एटम्स आर ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप, एक्सेट्रा. थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. Fourth, atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio. And fifth, atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आगे के वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे. हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आपका आज का दिन शुभ हो. इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच.